एक्टर अक्षय कुमार बायोपिक फिल्मों में किंग होते जा रहे हैं। पिछले दिनों अक्षय कुमार ने गुलशन कुमार की बायोपिक फिल्म मुगल साइन की थी, लेकिन मेकर्स के साथ हुई अनबन के चलते इस फिल्म को छोड़ दिया था। ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब इस फिल्म में अक्षय की जगह आमिर खान ने ले ली है। सोर्सेज के अनुसार टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर खान को सुनाई। बताया जा रहा है कि आमिर खान को भी स्क्रिप्ट बेहद दिलचस्प लगी। रिपोर्ट की माने तो आमिर ने मुगल साइन करने का मन बना लिया है। बता दें कि जल्द आमिर महाभारत पर एक बड़ी सीरीज बनाने की भी सोच रहे हैं, इसीलिए शूटिंग की डेट्स लॉक नहीं हो पा रही। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि आमिर खान मुगल में काम कर सकते हैं। मुगल की कहानी गुलशन कुमार की है, किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का मुंबई में म्यूजिक कंपनी खड़ी करता है और आखिरकार माफिया द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वाकई में आमिर ने अक्षय से बड़ी फिल्म छीन ली है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म के लिए आमिर और अक्षय में से कौन बेस्ट रहेगा? हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।